अब अलग अलग काम के लिए अलग अलग ऐप नहीं, हर दुकानदार की बस एक ही ऐप बिग ब्लिस। बिग ब्लिस चुने, केवल 30 सेकंड में अपने स्टोर को दुनिया के सामने लाएं, अपने कारोबार को बढ़ाएं, मुनाफा कमाएं, खुशियां कमाएं। बिग ब्लिस, बिग ब्लिस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। सरकार के प्रयासों और कुछ सीजनल फैक्टर्स के कारण भवन निर्माण सामग्रियों की कीमतें रिकॉर्ड कम हुई हैं। खासकर सबसे खर्चीले सरिये की बात करें तो इसका भाव रोज ही गिरता जा रहा है। अभी यह साल है कि महज 2 महीने पहले रिकॉर्ड बना रहा सरिया अभी आधा रह गया है। इसके अलावा सरिये से लेकर ईंट तक की कीमतें गिरी हुई हैं। आप चाहे घर बना रहे हो या कोई और कंस्ट्रक्शन कराने जा रहे हो, मजबूती के लिए सरिया सबसे जरूरी चीज है। घरेलू की छत, बीम या कॉलम आदि बनाने में सरिये का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता है। यहाँ तक नींव यानी बेस को भी सरिये से ही मजबूती मिलती है। इस सरिये का भाव महज 2 महीने पहले यानी मार्च 2022 में आसमान छू रहा था। मार्च में कुछ जगहों पर सरिये का भाव 85,000 रुपए टन तक पहुंच गया था। अभी ये कम होकर कई जगह पर 45,000 रुपए टन के आसपास आ गया है। वहीं सरकार ने हाल ही में स्टील पर एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी है। इसके कारण घरेलू बाजार में स्टील के उत्पादों के दाम तेजी से गिरे हैं। सरिये की कीमतों में आई कमी की भी मुख्य ये वजह यही है। इसी साल मार्च में एक समय सरिये का खुदरा भाव 85,000 रुपए प्रति टन तक पहुँच गया था, जो अभी कम होकर 45,000 से 50,000 रुपए प्रति टन तक ये गिर गया है। सिर्फ लोकल ही नहीं बल्कि ब्रांड सरिये का भाव भी पिछले कुछ महीने में काफी कम हुआ है। अभी ब्रांडेड सरिये का भाव भी कम होकर 80 से 85,000 रुपए प्रति टन पर आ गया है। मार्च 2022 में ब्रांडेड सरिये का जो रेट था वो 1,00,000 रुपए प्रति टन के पास पहुंच गया था। इस चार्ट में वही बता दें कि सरकार ने आसमान छूती महंगाई को कम करने के लिए डीजल और पेट्रोल पर टैक्स भी घटाया है। इसके बाद घरेलू बाजार में स्टील की कीमतें नियंत्रित करने के लिए इसके निर्यात पर टैक्स बढ़ाया है। इनके अलावा भी कुछ फैक्टर्स अनुकूल हैं। बारिश का मौसम शुरू होते ही निर्माण कार्यों में कमी आने लगती है, जिससे बता दें कि बिल्डिंग मटीरियल्स की डिमांड खुद ही कम होने लगती है। वहीं रियल स्टेट सेक्टर के बुरे हालात भी इस समय सहयोग कर रहे हैं। इन कारणों से ईंट, सीमेंट, सरिये यानी कि छत रेट जैसी चीजों की डिमांड निचले स्तर पर आ गई है। तो ये थी बात सरिये की कि 2 महीने में सरिये का जो भाव है वो आधा हो गया है। इसी साल मार्च में एक समय सरिये का खुदरा भाव 85,000 रुपए प्रति टन तक पहुंच गया था, जो अभी कम होकर ये 45,000 से 50,000 रुपए टन तक गिर गया है। इतना ही नहीं, सिर्फ लोकल ही नहीं बल्कि ब्रांडेड सरिये का भाव भी पिछले कुछ महीने में काफी कम हुआ है।